देश में हर तीसरी खुदकुशी करने वाला कोई किसान, खेतीहर मजदूर या दिहाड़ी मजदूर है। देश में हर छठी या सातवीं खुदकुशी किसी गृहिणी ने की है। 2024 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बढ़ी है। पिछले साल खुदकुशी करने वालों में 7.6% छात्र हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2022 की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं जो चिंता पैदा करते हैं। इसलिए भी कि ये आंकड़े गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े हैं और कुछ ऐसी तस्वीर बताते हैं जो परेशान करती है। ये वही चार वर्ग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री अपने लिए सबसे बड़ी जातियां बताते हैं। वो कहते हैं कि देश तभी विकास करेगा जब ये चारों वर्ग विकास करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बात दोहराई और आने वाले दिनों में अपनी प्राथमिकता साफ कर दी। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। और ये बिल्कुल सही बात है कि इन चारों वर्गों को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री की इस प्राथमिकता को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आईने में भी देखा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज पहले इन मुद्दों पर ही बात करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB हर साल जो आंकड़े जारी करता है उनमें अपराधों को कई वर्गों और स्तरों पर जांचा परखा जाता है। NCRB की ताज़ा रिपोर्ट परसों ही पेश हुई जिसमें 2022 तक के आंकड़े हैं। इनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता पैदा कर रहा है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 केस अपराध के दर्ज किए गए, यानी महिलाओं के खिलाफ ये अपराध हुए जो 2021 के 4,28,278 केस के मुकाबले 4% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले में हर घंटे 51 केस देश में दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31.4% केस पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के हैं, यानी महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्रूरता उनके अपनों ने ही की है। महिलाओं के साथ 19.2 केस अपहरण के हैं। इसके अलावा लज्जा भंग के यानी मोडेस्टी को आउटरेज करने के जो के लिए जो हमले हैं उसके केस 18.7% हैं। 31,000 से ज़्यादा बलात्कार के केस हैं जो उनके खिलाफ कुल अपराध के 7.1% हैं। सबसे ज़्यादा अपराध अगर देखे जाएं आंकड़ों के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं 65,743, इसके बाद महाराष्ट्र में 45,331, राजस्थान में 45,058, पश्चिम बंगाल में 34,738 और मध्य प्रदेश में 32,765 केस दर्ज हुए हैं। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते। अगर राज्यों की तुलना करनी होगी तो वो प्रति 1,00,000 पर दर्ज अपराधों से करनी होगी, जिसे क्राइम रेट कहा जाता है। इस हिसाब से सबसे खराब स्थिति दिल्ली की है, देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रति 1,00,000 पर 144.4 केस महिलाओं के साथ अपराध के दर्ज हुए हैं। ये दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा सवाल है, यानी दिल्ली का क्राइम रेट 144.4 है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। ये किसी भी लिहाज से राजधानी दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। 19 महानगरों की बात करें तो दिल्ली लगातार तीसरे साल इस मामले में सबसे आगे रहा और ये आगे रहने की दौड़ किसी हाल में होनी ही नहीं चाहिए। 2022 में दिल्ली में हर रोज रेप के यानी बलात्कार के 3 केस दर्ज हुए। इसका मतलब यह है कि दिल्ली महिला सुरक्षा के मामले में सभी महानगरों में सबसे पिछड़ा हुआ है। दिल्ली के बाद दूसरा नंबर मायानगरी मुंबई का है। कुल अपराध के मामलों में भी यहां के आंकड़े डरावने हैं और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी यहां चिंताजनक वृद्धि हुई है। हमारी सहयोगी पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। कॉल समझेला आए, कॉल के कनेरावा। मुंबई की लड़कियां महफूज रहें ये पक्का करती हैं मुंबई पुलिस की ऐसी निर्भया स्क्वाड टीम।
शहर भर में 93 निर्भया टीम गश्त करके संवेदनशील इलाकों में पहुंचती है। ये महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अपराध रोकने के लिए ट्रेंड और सक्षम है, लेकिन शहर में बदल रहा अपराधों का पैटर्न इन्हें भी कई बार चकमे में डाल देता है। बदलते हुए समय में जैसे मतलब अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे साइबर क्राइम में, जैसे मतलब हैरेसमेंट है, सेक्सुअली हैरेसमेंट है, कॉलिंग है, व्हाट्सएप कॉलिंग है, और फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उनसे कैसा है लोग मतलब अनजान लोग बहुत कॉन्टेक्ट लिस्ट में आते हैं, फ्रेंड लिस्ट में आते हैं, और उससे वो लोग नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते उनमें मतलब जान पहचान होती है, और फिर वो एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं इन्फॉर्मेशन, डेटा, पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो, और वही फ़ोटो लेके जो आदमी वो उसे ब्लैकमेल करता है, फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जान पहचान वाले ही 80% उनका ही काम रहता है, मोहल्ले में आमने सामने रहता है, पड़ोसी रहते हैं, या मतलब चचेरे भाई है, चचेरे मामा है, दूर के रिश्तेदार है, उनके इसमें ही ज़्यादा क्राइम होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB से जारी डेटा मुंबई और महाराष्ट्र में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक बढ़ोतरी दिखा रहा है। महाराष्ट्र में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ औसतन 5 अपराध और बच्चों के खिलाफ 2 अपराध दर्ज किए गए। बाल शोषण के सबसे ज्यादा 20,762 मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए। इन मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो वहीं बाल शोषण और उत्पीड़न के मामलों में दूसरे शहरों की तुलना में मुंबई दूसरे स्थान पर है। मुंबई में बच्चों के खिलाफ मामलों की कुल संख्या 2022 में 3,178 तक पहुंची, जबकि 2021 में 2,762 और 2020 में 2,248 थी। 2021 की तुलना में भारत में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है, तो महाराष्ट्र में 15% की बढ़ोतरी दिखी है। राज्य में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 45,331 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र इस अपराध में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। मुंबई में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में वृद्धि दिखी है। 2021 के 5,543 मामलों की तुलना में 2022 में कुल 6,176 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मामले पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के तहत दर्ज किए गए थे, जो रिपोर्ट की गई घटनाओं का 32% था। अपहरण में महाराष्ट्र मुंबई दूसरे नंबर पर है, तो वहीं देश में साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा 24% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, तो मुंबई में साइबर क्राइम मामलों में करीब 60% बढ़त दिखी है। दंगों के मामले में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर पहुंचा है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कुल 8,218 दंगों के मामले दर्ज हुए, जिनमें 9,558 लोग पीड़ित थे। 14,000 से अधिक घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही डॉक्टर नायरीन दारूवाला बताती हैं कि युवा लड़कियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में हाल के दिनों में खूब तेजी दिखी है। पिछले थोड़े साल में हम ये भी देख रहे हैं कि केसेस यंग लड़कियों के केसेस साइबर क्राइम को लेकर बहुत बड़े हैं, और इश्यूज ये आते हैं कि रिलेशनशिप में है, और जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाता है तब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जबकि महाराष्ट्र में किशोरों के अपराधों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। साल 2021 में 4,554 की तुलना में 2022 में 4,406 मामले हुए। एक चिंताजनक पहलू ये है कि IPC और स्पेशल एंड लोकल लॉज अपराधों के संबंध में पकड़े गए अधिकांश किशोर 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जो कि 79% मामलों से जुड़े हैं। खराब हवा के मामलों में कई बार दिल्ली को टक्कर देने वाली मुंबई अब अपराध के मामलों में भी राजधानी से रेस लगा रही है। संकेत अच्छे नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो अपराध के आंकड़ों में दिल्ली और मुंबई का ये हाल है, देश के दो सबसे बड़े शहर। NCRB के 2022 के ही आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 48,000 महिलाओं ने खुदकुशी की, जिनमें से 52% गृहिणियां थी। और ये एक बार फिर इस बात को पुष्ट कर रहा है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो उनके अपनों के ही हैं, उनके अपने ही सबसे ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। पिछले साल खुदकुशी करने वालों में हर तीन से चार महिलाएं ही थीं। महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात की सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी से।
देखिए, दो बातें हैं। पिछले साल भर से जिस तरह से हम लोग खबर पढ़ रहे थे और देश में भी जगह जगह जाके जो हमें अन्य प्रांतों में हो रहे महिलाओं के प्रति अपराधों की बात पता चल रही थी, तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि क्राइम बढ़ा, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही थी और रिपोर्ट भी हो रही थी बहुत सारी घटनाएं, और लग रहा था कि कहीं हम लोग की जो पुलिस व्यवस्था है, जो जुडिशरी की व्यवस्था है जहां पर कि महिलाएं जाती हैं न्याय मांगने के लिए, ये सब कुछ बहुत कुछ ढीला ढाला चल रहा था। ये कोविड में तो समझ में आ रहा था कि कोविड में एक तरह का पूरा कोलैप्स था सिस्टम का कहीं, लेकिन कोविड के बाद खुलते ही एक तरफ तो लोग सब उसी तरह से बाहर आ गए और उसी तरह से अपराध होने लग गया, और अपराध को अगर रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम नहीं हुआ स्टेट्स के अंदर, तो उसका नतीजा ये है कि अपराध बढ़े हैं। असल में तो अपराध और ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों और छोटे टियर टू टियर थ्री सिटी तक ही सीमित रहता है। गांव का तो कुल 10% भी आंकड़ा नहीं इसमें होता है। तो अगर आप ठीक से देखें तो जरूर घटनाएं 10 होती हैं तो एक ही फाइनली एनसीआरबी डेटा तक पहुंचती है रिपोर्टिंग के लिए। तो क्राइम तो लगातार बढ़ा है और उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि अपराधी पकड़े जाते हैं तो भी छूट जाते हैं, न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का जो अपराधियों के मन में ये भाव नहीं है, डर नहीं है कि अपराध करने से कुछ होगा, हमारा कोई नुकसान होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो जिस तरह से हमारे देश में जो व्यवस्था बनी है अपराध रोकने के लिए, उनको जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। फिर मैं समाज की तरफ भी आपका ध्यान इंगित करूंगी कि समाज में भी महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के लिए जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक सरोकार होना चाहिए, अगर कोई घटना घटती है तो सबको उस पर रिएक्ट करना चाहिए, सबको उसमें उतनी ही तेजी के साथ सामने आके कहना चाहिए कि स्वीकार्य नहीं है, ये बंद होना चाहिए, महिलाएं इस तरह के हिंसा के लिए नहीं बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इन सब बातों को पीछे रख देते हैं और बार बार अपराध जब बढ़ जाता है तब हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों अपराध बढ़ रहा है। तो एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 से 4 खुदकुशी में से एक महिलाओं की है।